नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भाजपा नेता गोकुल शेतिया ने अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावती सुर उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने आज सिरसा के विभिन्न समस्याओं को लेकर के अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना शुरू किया और कहा कि जब तक सिरसा की समस्याओं का समाधान नहीं निकलता और मुख्यमंत्री खुद आकर के उन्हें आश्वासन नहीं देते, तब तक ये धरना और प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी कि सिरसा में आकर के उनकी समस्याओं को हल करें। वहीं रैली के समापन पर अपने सैकड़ों साथियों के साथ बीजेपी नेता गोकुल शेतिया रैली स्थल के लिए चल पड़े। आपको बता दें कि गोकुल शेतिया ने आज सिरसा की विभिन्न समस्याओं को लेकर के हुंकार रैली का आयोजन करवाया। उन्होंने रैली में संबोधित करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं अभी तक लागू नहीं हो पाई हैं। उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि अधिकारी सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने से पहले सिरसा की विभिन्न समस्याओं की हल करने के लिए अपील की जाए सभी से और अधिकारियों को इसके दिशा निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस समस्या के लिए, सिरसा की सारी समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री से कई बार बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री सिरसा का दौरा कर समस्या का समाधान करें और उन्होंने धक्का बस्तियों की रजिस्ट्री करवाने की भी मांग उठाई है। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि जनता के लिए किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर भी आरोप लगाए हैं और कहा है कि वे जब भी सिरसा आते हैं वे केवल बोलकर चले जाते हैं। उन्होंने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला पर भी आरोप लगाया कि वह अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की मांग जरूर उठाते हैं, लेकिन सिरसा के लिए अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। शेतिया ने इस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की मिलीभगत से नशे का भी कारोबार जारी है और सरकार इस पर गंभीर नहीं। आप देख रहे हैं पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। आज तक दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी खेर की समस्या थी। खेर के अंदर मैं खुद अधिवक्ता हूँ, वकील हूँ। मैंने देखा कि खेर की जो समस्या थी उसको ढंग से हाई कोर्ट में नहीं उठाया गया। पैदा यही है जी के अनाउंसमेंट्स के बाद भी कोई काम गति नहीं पकड़ पा रहा। आपने देखा किस हिसाब से सीएम साहब की बड़ी पॉजिटिव सोच है। पॉजिटिव सोच होने के साथ साथ आप देखिए नहरी विभाग के अंदर एक्सीजन तक नहीं है। चार बार मैंने शिकायत करी, मैं सीएम साहब से उस दिन मिल के आया, मैं लिखा के भी आया। सीएम साहब ने आगे ओएसडी को भी कहा कि फटाफट एक्सीजन की नियुक्ति कराओ, लेकिन कोई हलचल ही नहीं है। काम कब होगा मुझे ये डर है। आचार संहिता लग गई, अगर विधानसभा और लोकसभा इकट्ठा हो गया तो क्या करेंगे। तो इसीलिए ये है कि जल्द से जल्द ये जो सारी समस्याएं हैं इनका समाधान हो। और जहाँ तक मुझे सुनने में आया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई हॉस्पिटल देना भी था, आई थिंक यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल दिया इन्होंने टोहाना के अंदर। तो क्या इसीलिए केवल दिया कि वहाँ पे भाजपा के अध्यक्ष हैं? जितनी वहाँ के टोहाने के लोगों की जान की कीमत है, उतनी जान की कीमत सरसा के लोगों की है। अब हम चाहेंगे कि हमें यहाँ पर एम्स हॉस्पिटल मिले। आगे की रणनीति आपने देखा किस तरीके से मैंने सभी नौजवान साथियों का सहयोग लिया, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, हाथ खड़े कराकर आपके सामने सारी जनता ने वहाँ पर आशीर्वाद दिया, नारे लगाए कि ये सब मेरे साथ हैं। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी जो भी शुरुआत है मेरे आंदोलन की, तो मेरी जो भी रणनीति होगी उनके आशीर्वाद से होगी। जो वो कहेंगे उसी हिसाब से प्लानिंग चलेगी। मैं आज जा रहा हूँ, मंडी के अंदर बैठ रहा हूँ, मेरा संघर्ष आज से शुरू है। जो होगा देखा जाएगा, हम अपने हकों के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। मैं बैठा रहूँगा जी, जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे मैं नहीं वहाँ से हटूंगा। तो अपनी पार्टी के खिलाफ ही आप धरना दे रहे हैं? ये पार्टी के खिलाफ नहीं मैं समझूंगा, ये आप ये लगा के चलिए जैसे कि मैंने आपको बात कही कि हमारे विधायक नहीं बोलते, विपक्ष के हैं, पता नहीं क्यों नहीं बोलते। अब क्या पता क्या बात है, या उन्हें दुख दर्द नहीं पता हमारे एरिया का। तो जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ दूध कैसे पिलाएगी। तो ये केवल हम पार्टी के बच्चे हैं, हम रोने का काम कर रहे हैं। हमें दीजिए हमारे सरसा को, सरसा के हक दीजिए। तो अब आपका यही इंतजार रहेगा कि मुख्यमंत्री आए और मुख्यमंत्री आए हमारे नहरों के काम को शुरू कराए। जो लोगों ने, तानाशाह अफसरों ने यहाँ पे नशे बिकवाने का काम किया है उनका टेस्ट कराए। जिन अफसरशाही जो के गुंडागर्दी अपनाते थे अफसर, उनको सस्पेंड करने का काम करें, थेड़ का समाधान निकालने का काम करें, नहरों का काम शुरू कराएं, एम्स की हमें मंजूरी दिलाएं, या यस करके जाए कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है या पहले भी जो भी सिस्टम बन सकता है हम बैठ के सलाह करेंगे।
मैं सारी रात सारा दिन वहाँ बैठूंगा जी। अभी पार्टी में रहेंगे या छोड़ेंगे क्या? मैं पार्टी में बैठा हूँ, पार्टी का बच्चा हूँ, बैठा रहूंगा, अड़ा रहूंगा और लड़ता रहूंगा, मेरी मांग जारी रहेगी। अभी मैं पार्टी में हूँ, पार्टी का सदस्य हूँ। मुख्यमंत्री जी की पॉजिटिव सोच है, उम्मीद है, भरोसा है, मुख्यमंत्री जी आएंगे, थेड़ पे भी जाएंगे, हमारे कामों को भी हरी झंडी देंगे। आज ये सही बहरे में कोई रैली नहीं है, सिरसा के लोगों ने एक हुंकार भरी है कि हम हमारी ये जरूरतें हैं, हमारे ये मूल अधिकार है जो सरसा की जनता को मिलने चाहिए। यह नहीं